क्या आपको पता है देश में किन लोगों को नहीं करना पड़ता है टोल टैक्स का भुगतान? नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अगर हम लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो नेशनल हाईवे की मदद लेते हैं। आप भी कई बार NH से गुजरे होंगे। यहाँ से गुजरते समय हम टोल टैक्स देते हैं। ये टोल टैक्स सरकार हमसे रोड चार्ज के रूप में लेती है। टोल टैक्स के रूप में प्राप्त हुए राजस्व से सड़कों के मेंटेनेंस का काम, ब्रिज और टनल आदि का निर्माण होता है। कई बार आपने गौर किया होगा कि कुछ गाड़ियाँ बिना टोल टैक्स दिए ही आराम से निकल जाती हैं, तो उस वक्त समझ नहीं आता कि ये कोई दबंग है या बड़ी हस्ती जो बिना टोल टैक्स दिए ही निकल गए। अगर आप भी ये सोचते हैं तो आपको बता दें कि हमारे देश में टोल टैक्स पर कुछ खास लोगों को और कुछ गाड़ियों को छूट दी गई है जो बिना टोल टैक्स चुकाए जा सकते हैं। अब ये कौन से लोग हैं और किसे इसका फ़ायदा मिलता है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। NHAI के मुताबिक 5 कैटेगरी के वाहनों को टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सबसे पहला है आपातकालीन वाहनों को टोल टैक्स में छूट। इनमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और इस तरह के अन्य वाहनों को टोल प्लाजा पर किसी तरह के टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। अब दूसरे नंबर पर है ट्रक, सेना की गाड़ियां या सैन्य संबंधी गाड़ियां, रक्षा विभाग के सीधे नियंत्रण में आने वाले वाहन आदि को टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसके बाद देश की कुछ खास हस्तियाँ भी हैं जिन्हें टोल टैक्स में छूट दी गई है। ये सभी उच्च पद पर पदोन्नत हैं, जिसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद के सदस्य, न्यायालय के न्यायाधीश जैसे VIP लोगों को टोल टैक्स में छूट मिली है। साथ ही परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से सम्मानित लोगों और सेना व कई सरकारी कर्मचारियों को भी टोल टैक्स में छूट मिलती है। अब चौथे नंबर पर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें राज्य की बसें शामिल हैं, इन्हें भी टोल टैक्स भुगतान करने पर छूट है। अंत में बात करते हैं टू व्हीलर जैसे बाइक या स्कूटी की, तो ऐसे वाहनों को भी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। यदि आप टोल टैक्स का भुगतान करने वाली श्रेणी में आते हैं और एक टोल प्लाजा से एक दिन में 2 बार गुजरते हैं तो क्या आपको पता है कि इस दौरान कितनी बार टोल टैक्स देना पड़ता है? NHAI के नियम के मुताबिक यदि एक दिन में 2 बार टोल बूथ से आप गुजरते हैं तो इस दौरान रोड चार्ज आपको 1.5 गुना ही देना होता है। नियम के मुताबिक एक से ज़्यादा बार टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों को 2/3 ही टोल टैक्स का भुगतान करना होता है। मालूम हो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर एक टोल प्लाजा बना होता है। यदि आप टोल टैक्स देने वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं और तब भी आपसे टोल टैक्स मांगा जा रहा है तो आप इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपको पता था कि टोल टैक्स पर किन लोगों को भुगतान नहीं करना होता? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।